सीढ़ियाँ तो बहुत मुश्किल है। मैं अभी Mermaid is what? Mermaid is death. Death. ₹300 का टिकट है, किड्स का टिकट 150 का है, एडल्ट्स के लिए 300 है। ऐसी जगह पे पेड़ों के बीच में से कौन मना करेगा कि मैं नहीं चल रहा हूँ। दोस्तों स्वागत है आपका कैंपिंग ट्रैवल इंडिया में, और इस वक्त है हम पारो फोर्ट पारो जोंग के अंदर, और यहाँ चल रहा था मास्क फेस्टिवल। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको पारो जोंग के अंदर इस साइड पर। एक मौका है हम सब के पास पारो फोर्ट यानी पारो का किले के अंदर की सैर करने का। सामने जो सिंहासन आपको दिख रहा है वहाँ किंग ऑफ भूटान बैठे हैं, और ये VIP ब्लॉक है जिसको फर्स्ट फ्लोर पर बनाया गया है। यहाँ VIP लोगों की फैमिली के लोग ही आपको नजर आएंगे। इस VIP माहौल से निकलकर मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर सेकंड फ्लोर पर। सीढ़ियाँ तो बहुत मुश्किल है भाई। क्या हवा है बाप। ये है मशहूर मास्क डांस भूटान का, जो इस वक्त पारो फेस्टिवल के दौरान यहाँ किया जा रहा है। इसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, और बौद्धिस्ट धर्म में मास्क डांस की अपनी एक बहुत अलग अहमियत है। देखिए किस तरह से लोग यहाँ बैठते हैं और मास्क डांस का मज़ा लेते हैं। तो तब तक दोजोंग के दर्शन कराता हूँ। आप अगर यहाँ देख रहे हैं पूरा वुड का वर्क किया गया है, इसमें सारे के सारे बड़े बड़े पिलर वॉल में भी अंदर वुड यूज नहीं, सिर्फ मड यूज किया है। बांस का काफ़ी अच्छा प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। सब लोग अभी डांस का टाइम 1:30 बजे का है, 1:30 बजे डांस खत्म हो गया, घरों की तरफ जाने वाले हैं। मूवी वर्क में जिन आप देख रहे हैं यहाँ की दृश्य, और मैं अभी वुडन देख के हैरान रह जाएंगे। इतने बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े, 3 मंजिला बिल्डिंग, इतना लोड उठा रहे हैं आज के डेट में, ये कमाल की बात है। की घोषणा है आज के मास्क डांस की। कल इसका पार्ट 2 होगा जो किया जाएगा नीचे। कुछ भी हो छा गए, इतना बढ़िया चीज तो नहीं। लोग वापस जाने लगे।
ये है खूबसूरत नज़ारा पारो फोर्ट के ऊपरी मंजिल से। सामने जो बाग आपको दिख रहे हैं ये है शाही बाग, और ये पारो नदी यहाँ बह रही है, और वो सामने जो है वो है पारो सिटी। वापस ले चलते हैं आपको सेकंड फ्लोर पर, यानी पारो फोर्ट की ऊपरी मंजिल पर। ये है उसी ऊपरी मंजिल का एक दूसरी साइड, जहाँ से आपको दिखेगा एक और नज़ारा। ये उस जगह का व्यू है जहाँ मेरा होटल है, वो जो सामने आपको घर दिख रहे हैं नदी के किनारे पर, वो जगह है जहाँ पारो सिटी बसी है। और नदी के इस तरफ ये ट्रेडिशनल हाउसेज हैं राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखेंगे खेत खलिहान। ये एक और नज़ारा देखिए आप, ये सामने जो पुल आपको दिख रहा है ये वही वुडन पुल है, जिसको वुडन ब्रिज है जिसको क्रॉस करके हम लोग यहाँ तक आए थे। खूबसूरत ये लकड़ी का जो काम किया गया ना, ये कमाल का है। कितने बड़े बड़े पिलर हैं जो आज भी संभाले खड़े हैं इस खूबसूरत किले की बिल्डिंग को। चलिए अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। मुझे लगता है ऐसे करके उतरा जाता है क्योंकि पाल पूरे रखे ही नहीं जाते इसके ऊपर। What is your name? Sangeet. Your name is? Sangeet. Okay, Sangeet Ji. My name is Amit. आप यहीं रहते हैं? ये कौन सी जगह है? यहाँ पे क्या करते हैं? उधर क्या है? मरमिट. मरमिट क्या होता है? मरमिट. Yup. आप मुझे दिखाओगे क्या है? इसमें क्या है? मरमिट. बोलो. Wow, wow. Oh, danger. कौन है? मैं समझा नहीं। मर्मिट क्या होता है? मर्मिट इज व्हाट? मर्मिट इज डेथ। डेड? अच्छा, डेथ। तो इसके अंदर डेथ है? डैंगर कुछ नहीं। तुम कितने हो? अच्छा। डैंगर is here, right? So no one comes here, huh? It's a dangerous place. No. No danger? No. So we don't go inside, right? Yes. You go inside. Can you go inside? Yes. Come on. Turn the TV shows. It's so dark, no? No. Small child. Okay, small child are going and come out. Okay. You can go and come out. I cannot go and cannot come out. Right? You don't know the way, that's why. We can get lost inside. That's a dangerous place, isn't it? पारो फेस्टिवल, जिसे पारो छेचू कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, इसको लेकर यहाँ के लोगों में अजीब सा उत्साह है। बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्ग तक सब लोग यहाँ पर अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में खूबसूरत दिखते हुए सज धज कर घूम रहे हैं।
ये एक बहुत बड़ा ओकेजन है यहाँ के लोगों के लिए। देखिए, आप भी देखिए कितने रंग बिरंगे कपड़े सब ने पहने हैं। मैं बता दूं आपको, ये जो ग्रीन एप्रन पहन करके लोग घूम रहे हैं, ये वॉलंटियर्स हैं जो सफाई के लिए लगे। जैसे यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो यहाँ जितने भी इवेंट होते हैं कुछ वॉलंटियर्स हैं जो आते हैं और पूरी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। अभी भी उनके हाथ में जो बैग आप देख रहे हैं, ये डस्टबिन हैं या बैग हैं, इसको थ्रो करने के लिए जा रहे हैं बाहर, ताकि प्रॉपर तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट ऐसे बड़े फेस्टिवल्स के दौरान हो सके। अब मैं एंटर कर रहा हूँ बाहर जाते हुए उसी गेट से जहाँ से वापस आया था, और दोनों तरफ जो पेंटिंग आपको दिख रही है इसे कहा जाता है फंका पेंटिंग। ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो आपको दिखेंगी फोर्ट की अलग अलग दीवारों पर। एक ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है यहाँ के टैक्सी स्टैंड से, हार्डली 10 मिनट का रास्ता है जो कि आ सकते हैं। मैं आया था और 300 रुपये का टिकट है, किड्स का टिकट 150 है, एडल्ट्स की 300। ये रेट है, किड्स एक्चुअली वर्थ स्पेंड दिस मच, अच्छी है। आपको 300 रुपये देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी जगह है। और जब इस तरह का डांस का प्रोग्राम है आपको देखने को इसे मास्क डांस कहा जाता है, और ये मास्क फेस्टिवल का पार्ट है, तो 300 रुपये बिल्कुल चुभेगा नहीं। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लकड़ी का इतना ज़्यादा वर्क है इसमें, लगता है कि लकड़ी के कमरे देखो, इतनी बड़ी बिल्डिंग में टॉप वाला जो स्ट्रक्चर है वो पूरा वुडन का है, नीचे कॉन्क्रीट से बना गया उसको। ये स्ट्रक्चर देखो, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है, ये टेम्पल है एक्चुअली। जहाँ जहाँ से सिटी में एंटर करते हैं उस जगह पे इस तरह के टेम्पल्स को बनाया जाता है। और ये आपको सिटी के दोनों साइड, ये बाउंड्री किनारे में चल रहा है, सो मच ऑफ ग्रीनरी, सो मच ऑफ प्लांटेशन, सो मेनी ट्रीज। बात है कि लोग सिटी की साफ सफाई रखते हैं, तो कहीं पे भी बैठ गए। अब देखो वो लोग वहाँ बैठ करके खाना खा रहे हैं, खाना घर से पैक करके लाए, यहाँ बैठे ग्रुप के साथ पेड़ की छाँव में और बैठ करके खाना खा लिया, इतना सिंपल है। कमाल की जगह दोस्त, कम वक्त मना करेगा कि मैं नहीं पैदल चलूँ, थकान होगी लेकिन चलने का मज़ा भी तो आएगा। वाइट कलर की वॉल, बीच में छोटा सा रास्ता पैदल चलने के लिए उस तरफ रोड, पैदल चलने वाला आपको रोड पे चलता हुआ नहीं दिखेगा। ज़्यादातर लोगों ने साइड में जो फुटपाथ बनी है, जो पासेज है, वहीं पर लोग चलते हैं। हम लोगों को भी याद है, हम लोग घुस जाते हैं जाकर के रोड के ऊपर किनारे किनारे चलते हैं, फिर थोड़ी देर पे होश आता है कि यार यहाँ नहीं चलना, ये जगह चलने के लिए नहीं बनी है, तो फिर नहीं चलते। ये ऐसी जगह पे पेड़ों के बीच में से कौन मना करेगा कि मैं नहीं चल रहा हूँ, अल्टीमेट जगह भाई, इससे अच्छा क्या हो सकता है।